हाँ, तो हम आज बात करेंगे महाकवि चंदबरदाई द्वारा रचित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के बारे में। पृथ्वीराज रासो से हमें 12वीं सदी के महान राजा पृथ्वीराज तृतीय अर्थात राय पिथौरा के जीवन के विभिन्न घटनाओं एवं कालखंडों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान, चंदबरदाई, पृथ्वीराज रासो, यार क्या है ये सब कुछ? क्या हुआ छोटू? अरे भैया, वो पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ा, कुछ समझ में ही नहीं आया मुझे। तो मिलना चाहेगा तू इनसे? अरे हाँ भैया, हाँ। तो चलें इतिहास के एक और सफर पे। हाँ भैया, चले भैया। ठीक है चलो। हाँ तो क्या बोलती पब्लिक, अब आएगा ना मजा? छोटू कहाँ हो तू? भैया इधर पीछे। बढ़िया, वहीं रहना, वहीं से देखो होता है क्या। आज हम भारतीय इतिहास के उस वीर योद्धा के बारे में बात करने जा रहे हैं जो शब्द भेदी बाण चलाने में भी निपुण थे। आइए हम मुलाकात करते हैं दिल्ली के महान राजा पृथ्वीराज तृतीय, इन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। यही दिल्ली के वे महान राजा है जो शब्द भेदी बाण चलाने में भी निपुण थे। अब हम मिलेंगे सिंध के सुल्तान आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी से। हाँ यही है मोहम्मद गोरी, सिंध का वह आक्रमणकारी जो हर बार भारत पर लूट करने और हिंसा फैलाने के उद्देश्य से दिल्ली पर आक्रमण करता था। लेकिन ये कहाँ जानता था कि दिल्ली की राजगद्दी पर वीरों के वीर महावीर काल भी, जिसके नाम से भयभीत है ऐसे काल केतु के संगारक वीर पृथ्वीराज चौहान स्वयं विराजमान थे। तो आगे चलते और देखते हैं कि जब मोहम्मद गोरी का सामना पृथ्वीराज चौहान से होता है तो क्या होता है। मोहम्मद गोरी बार बार सिंध से आकर दिल्ली पर आक्रमण करता है, लेकिन दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के हाथों हर बार मुंह की खाता है और पराजित हो जाता है। इसी क्रम में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान पर 17वीं बार आक्रमण करता है। यह आक्रमण तराइन का प्रथम युद्ध कहलाता है। वर्ष 1191 में इसी मैदान में, तराइन के इसी मैदान में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच भीषण युद्ध होता है। जैसा कि आप जानते ही हो, परिणाम निश्चित था। पृथ्वीराज चौहान इस बार भी मोहम्मद गोरी को पराजित कर देते हैं एवं बंदी बना लेते हैं। बंदी बने मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के दरबार में गिड़गिड़ाने लगता है और बार बार उनके आगे दया की भीख मांगने लगता है। साथ ही मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को यह भरोसा दिलाता है कि वह दोबारा कभी दिल्ली की तरफ आंखें उठाकर नहीं देखेगा। पृथ्वीराज चौहान इस बार फिर उस पर दया दिखाते हैं और इसी भरोसे पर कि वह दोबारा कभी दिल्ली की तरफ अपनी आंखें नहीं करेगा, उसे माफ कर देते हैं और प्राण दान दे देते हैं। मोहम्मद गोरी अपने देश गोरी को वापस चला जाता है। हाँ तो दोस्तों, मोहम्मद गोरी तो वापस लौट गए, पर अब मैं ये क्या देख रहा हूँ, पृथ्वीराज चौहान का ध्यान इस गोरी से हट करके उस गोरी में लग जाता है। हाँ, वही गोरी जिसके नाम का इंतजार आप लोग भी कर रहे हैं, संयोगिता। अबे तू यहाँ भी आ गया? भैया ये संयोगिता कौन है, हमें मिलाओ इससे। संयोगिता से मिलना है तुझे? चल वही चल के मिला के लाता हूँ संयोगिता से। आइए तो आपकी मुलाकात कराते हैं संयोगिता से। हाँ संयोगिता, कन्नौज के गढ़वाल वंश के महाराजा जयचंद की पुत्री राजकुमारी संयोगिता। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान आपस में अपार प्रेम करते थे, लेकिन यहाँ DDLJ के बाबूजी की तरह जयचंद की एंट्री थी और जयचंद ये कभी नहीं चाहता था कि राजकुमारी संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज चौहान के साथ हो। और इसी उद्देश्य से राजा जयचंद राजकुमारी संयोगिता के लिए स्वयंवर का आयोजन कराते हैं और अपमानित करने के उद्देश्य से पृथ्वीराज चौहान को ना बुलाते हुए उनकी प्रतिमा द्वारपाल के रूप में लगवा देते हैं। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, प्रेम कब हार मानने वाला था। राजकुमारी संयोगिता जैसे ही दरबार में पहुंचती है और द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को देखती है, हर्षोल्लासित होकर प्रतिमा को ही वरमाला डाल देती है। और इस घटना की जानकारी राजा पृथ्वीराज चौहान को प्राप्त होती है और वे बिना विलंब किए जयचंद के दरबार में पधार जाते हैं और वहां उपस्थित सभी राजाओं को युद्ध की चेतावनी देते हुए संयोगिता को अपने साथ हरण करके ले जाते हैं। और इस घटना से
अपमानित महसूस करते हुए राजा जयचंद बदले की भावनाओं में इस तरह बह जाते हैं कि वे अपने राजदूत के हाथों पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गोरी जैसे आक्रमणकारी को आमंत्रित कर देते हैं। भारतीय राजाओं की आपसी फूट का फायदा उठाते हुए मोहम्मद गोरी एक बार फिर पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने को तैयार हो जाता है। इस बार आक्रमण वही तराइन के मैदान में वर्ष 1192 में होता है और यह युद्ध पहले के सारे युद्धों से ज्यादा भयंकर होता है। लेकिन परिणाम इस बार कुछ विपरीत हो जाता है। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान जी को पराजित कर देता है। लेकिन वह पृथ्वीराज जितना दयालु नहीं था। वह पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अपने साथ गोरी प्रांत ले जाता है। जब पृथ्वीराज चौहान जी को मोहम्मद गोरी के दरबार में प्रस्तुत किया जाता है तो पृथ्वीराज चौहान की प्रतिशोध से भरी आंखें देखकर मोहम्मद गोरी मन ही मन भयभीत हो जाता है और वह पृथ्वीराज चौहान को नजरें झुकाकर बात करने का निर्देश देता है। तब पृथ्वीराज चौहान उसे जवाब देते हैं कि ये राजपूताना आंखें हैं, मृत्यु के बाद भी दुश्मन के सामने कभी झुकती नहीं। इस बात से नाखुश मोहम्मद गोरी दरिद्रता दिखाते हुए पृथ्वीराज चौहान की आंखों में गर्म सलाखें डलवा देता है और उन्हें अंधा बना देता है। सलाखों के पीछे विवश अवस्था में पृथ्वीराज चौहान अपने मित्र और राजकवि चंदबरदाई से कहते हैं कि अगर मुझे एक अंतिम अवसर भी मिल जाए तो मैं मोहम्मद गोरी को समाप्त कर अपने अपमान का बदला ले सकता हूं। तब राजकवि चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान को उनके शब्द भेदी बाण की शिक्षा के बारे में उन्हें याद दिलाते हैं। कुछ दिनों बाद गोरी प्रांत में भव्य राज्य खेलों का आयोजन होता है। राजकवि चंदबरदाई मोहम्मद गोरी के पास उसके दरबार में पहुंचते हैं और कहते हैं कि अभी तक आप मेरे मित्र पृथ्वीराज चौहान की एक भव्य कला से परिचित नहीं है। मोहम्मद गोरी से वे कहते हैं कि मेरा मित्र पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में भी निपुण है। इस बात से रोमांचित होकर मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को राज्य खेलों में अपना प्रदर्शन करने की अनुमति दे देते हैं। पूरे मैदान में चकाचौंध मची, सभी लोगों की नजरें पृथ्वीराज चौहान पर। बीच मैदान में पृथ्वीराज चौहान और चंदबरदाई खड़े हुए हैं। चंदबरदाई ऊपर खड़े हुए मोहम्मद गोरी से कहते हैं कि हे सुल्तान, आपका बाण चलाने के लिए जैसे ही 3 बार निर्देश प्राप्त होता है, मेरा मित्र पृथ्वीराज चौहान सामने रखे हुए लक्ष्य पर मात्र घंटी की आवाज सुनकर ही लक्ष्य साध देगा। जैसे ही मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से बाण चलाने के लिए कहते हैं, पीछे खड़े चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी की वास्तविक स्थिति से अवगत कराते हैं और वे अपने दोहे के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान से कहते हैं कि हे पृथ्वीराज, कमान बांध, हे अंतिम अवसर यही, एक बाण से लक्ष्य साध कर मच चुके जो कि 4 बाँस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और ता ऊपर सुल्तान है मच्चू के चौहान। एक ही बाण में मोहम्मद गोरी को धराशायी कर पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध के अपने अपमान का बदला ले लेते हैं। और यह दृश्य देख मोहम्मद गोरी की सेना पृथ्वीराज चौहान की ओर बढ़ने लगती है। इससे पहले कि मोहम्मद गोरी की सेना पृथ्वीराज चौहान तक पहुंचे, चंदबरदाई अपनी कटार निकालते हैं और पहला वार पृथ्वीराज चौहान के सीने पे करते हैं और दूसरा वार स्वयं के सीने पे करते हुए दोनों अपना प्राण त्याग देते हैं। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान और चंदबरदाई के बारे में कहा जाता है, एक थाल जन्म एक थाल मरण। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? इतिहास की सीरीज द एडवेंचर्स ऑफ हिस्ट्री के माध्यम से इतिहास की हर एक घटना से हम आपको यूं ही रूबरू कराएंगे। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।